वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंड्रो लॉग। ये चलते हैं स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे इसमें क्या क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो पूरा वीडियो देखिए और एक एक चीज़ की जानकारी लीजिए। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे व्हाट्सएप वेब। व्हाट्सएप वेब टाइप करने के बाद ये खुल जाता है, ये फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट्सएप वेब। उसके बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, लोडिंग में थोड़ा समय लेगा। ये नीचे परसेंटेज दिखा रहा है और ये QR कोड ऐसा आ जाएगा। अब इसको स्कैन करना होगा अपने मोबाइल से। ये मोबाइल से हमने स्कैन किया और ये स्कैन हो गया। अब इसके बाद ये इंटरफेस, ये देखो लोडिंग लिया, ये खुल गया। ये सारे कॉन्टैक्ट्स है लेफ्ट साइड में, ये अपने कॉन्टैक्ट हैं। और ये माय स्टेटस, ये अभी दिखेगा नहीं क्योंकि अभी मैंने लगाया नहीं है, तो कोई स्टेटस नहीं दिखेगा। और इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ग्रुप का ऑप्शन है, ये सारे कॉन्टैक्ट है, न्यू कम्युनिटी। ये राइट साइड में क्लिक करके न्यू ग्रुप, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने बताया था, न्यू कम्युनिटी, ये भी सेम। तो ये ऑप्शन यहाँ पे शॉर्टकट में दिया था इधर अंदर को। ये शेयर मैसेज, यहाँ से मैसेज शेयर कर सकते हैं और सेटिंग में जाके बहुत कुछ है। तो ये फ़ोटो का ऑप्शन है, फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू फ़ोटो, ये फ़ोटो दिख जाएगी। अगर इसको चेंज करना होगा तो उसके लिए पहले तो टेक फ़ोटो, अभी कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कैमरा तो इसलिए नहीं दिखा रहा। अपलोड फ़ोटो, ये हम ड्राइव से ले सकते हैं, ड्राइव से कोई सी फ़ोटो यहाँ से क्लिक करके। तो और लास्ट ऑप्शन है रिमूव फ़ोटो, रिमूव कर सकते हैं फ़ोटो को, फ़ोटो रिमूव हो जाएगी। यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्टेटस डाल सकते हैं, कोई सा भी शो करेगा। और उसके बाद ये मैनेज नोटिफिकेशन, ये मैनेज नोटिफिकेशन कर दिया। अलाउ कर दिया ताकि कोई भी मैसेज आए तो उसका नोटिफिकेशन आ सके। ये लास्ट टाइम प्राइवेसी, नोबडी एवरीवन, जो सीन होता है पोर्टफोलियो ये सब देखने का, किसी को दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो उस पर ऑप्शन लगा सकते हैं। और ये हमारे कॉन्टैक्ट है, बैकग्राउंड ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट जिनको ब्लॉक कर रखा है, सिक्योरिटी में काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं कॉल के, चैट के। नेक्स्ट थीम, थीम को डार्क लाइट मोड में किसी में भी थीम को कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो, उसके सुटेबिलिटी के हिसाब से। ये थीम है, ये काफ़ी सारी थीम मिल जाती है, जो बैकग्राउंड में कलर चलता है उसके अकॉर्डिंग होता है ये। ये कोई सा भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ब्लैक, ब्लू, मैरून। उसके बाद मीडिया, मीडिया ऑटो डाउनलोड, अगर आप क्लिक कर देंगे तो अपने आप डाउनलोड होगा जब नेट चलेगा, अदरवाइज़ ये क्लिक हटा देंगे तो डाउनलोड नहीं होगा, और जब आप क्लिक करेंगे तभी डाउनलोड होगा इस पे। रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, ये सब एक्स्ट्रा है, इसे यूजेबल नहीं है इतना। कीबोर्ड शॉर्टकट, इसमें बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट आते हैं जो कि यूज़ होते हैं कंप्यूटर के लिए, मोबाइल में तो खैर नहीं होते मगर कंप्यूटर के लिए सारे कीवर्ड यूज़ होते हैं, जिससे कि आप शॉर्टकट अपना के कुछ भी इसमें ओपन कर सकते हैं जैसे जैसे उसमें दिया हुआ है शॉर्टकट की। तो ये बहुत ही यूज़ेबल है, ठीक है, इससे काफ़ी इजी वे में आप हैंडलिंग कर सकेंगे कि व्हाट्सएप को ऑन द स्क्रीन कंप्यूटर। ये हेल्प इधर कुछ नहीं है, तो बैक चलते हैं। अब बैक में ये हमारे सारे कॉन्टैक्ट है, ये देखो अरेंजमेंट कॉन्टैक्ट का, ये ऊपर नीचे हो जाता है। देन यहाँ से वही है सर्चिंग नेम एनी कॉन्टैक्ट के लिए, यहाँ से नेम सर्च करते हैं तो वो नेम आ जाएगा यहाँ पे नीचे। बैक जाने के बाद यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, ये हमने लॉग आउट कर दिया कंप्यूटर पे, लॉग आउट हो गया, आप कोई ओपन नहीं कर सकता इसे यहाँ पे।
अब इसमें एक ऑप्शन और होते हैं बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पे ना नीचे जाके कॉन्टैक्ट्स है। सपोज मैंने कोई सिलेक्ट कर लिया किसी एक बंदे को कॉन्टैक्ट, नीचे ऑप्शन ये स्माइल इमोजी के आते हैं, तो ये इतने सारे इमोजी आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें से, बहुत सारे इमोजी है इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन है, तो जो आपको अच्छे लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं इमोजी। नेक्स्ट है जिफ फाइल है, इसमें क्या है कि मूवमेंट वाले स्टिकर आते हैं, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से जो आपको चाहिए। किसी को स्माइली फेस भेजना है तो वो हो जाएगा, और ये सैड का है फेस, और भी चीज़ें इसमें, ये लव का है, इसमें काफ़ी सारे जिफ मिल जाते हैं मूवमेंट करते हुए। ये क्या है, रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन देना हो तो इससे कर सकते हैं, और स्पोर्ट तो जानते हैं खेल वेल का, ये सब टीवी। अब ये इतने ऑप्शन है इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, इससे क्या है कि काफ़ी इफेक्टिव पड़ता है, अट्रैक्शन बनता है। यहाँ कुछ भी सर्च करके आप उसको खोज सकते हैं स्टिकर को। कितने सारे ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो एंग्री का चाहिए, स्माइली का चाहिए, हैप्पी का चाहिए, सेट का, तो बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो किसी को भेजना हुआ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट हम अटैचमेंट डाल सकते हैं, कोई भी अटैचमेंट करिए, अटैचमेंट भी भेज दीजिए, कॉन्टैक्ट भी, बहुत ऑप्शन है इधर। ये कैमरा, अगर फ़ोटो भेजना हुआ डायरेक्ट, अभी कैमरा नहीं है वेबकैम तो इसलिए नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्टीकर का बता ही दिया था, ये पिक एंड वीडियो, फ़ोटो एंड वीडियो, तो यहाँ से फ़ोटो एंड वीडियो हम सेलेक्ट करके भेज सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। व्हाट्सएप तो अब लोग बिजनेस के लिए यूज करने लग गए हैं, तो बिजनेस में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इससे काफ़ी इजी कन्वेंस में बातचीत या टॉकिंग हो जाती है। तो इसमें आपको जो भी पसंद आए उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये है मोबाइल पे, मोबाइल पे भी सेम वैसा ही होता है, बट कंप्यूटर में आपको बड़ी लार्ज स्क्रीन मिल जाती है और काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा ही सुटेबिलिटी होती है, और सारे जो अटैचमेंट में सारे जो भी फ़ोटो वीडियोस चाहिए आपको कंप्यूटर में मिल जाता है, तो ये भी इजी है, बट वो लार्ज स्क्रीन पे है और ये छोटी स्क्रीन पे है। ये देखिए फ़ोटो का मैंने बताया था सेलेक्ट करके, सेटिंग ये सेम वैसे ही है जो अभी मैंने बताया था, वही है, तो बस स्क्रीन का फ़र्क है और बाकी कुछ नहीं, दोनों में मोबाइल और उसमें कंप्यूटर में सेम है। ये देखिए सारे ऑप्शन वही है जो कंप्यूटर में थे, बिजनेस ये सब। और इसमें मोबाइल में हम लोकेशन भी सेंड कर सकते हैं, लाइव लोकेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, किसी को किसी जगह से आना जाना है तो वो आराम से इसको सेंड कर सकता है लोकेशन, अपनी करंट लोकेशन या लाइव लोकेशन, ये इसलिए भी बहुत यूज़ करने लग गए हैं व्हाट्सएप, आसानी से ये सेंड हो जाता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड और भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंडोर व्लॉग। थैंक यू।